नमस्कार दोस्तों, लव यू हेल्थ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर बताए गए सभी नुस्खे प्राचीन आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, जिनको आप घर पर मिलने वाली वस्तुओं से आसानी से बना सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल लव यू हेल्थ सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज भी 100 में से 80% लोग पतली कमर या फिर जीरो फिगर पाने की इच्छा रखते हैं। सैर करना, डाइटिंग करना, जिम जाना उनकी इसी इच्छा का एक अंग है। पर आपकी ये तमाम कोशिशें उस समय विफल हो जाती हैं जब आप उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं पाते हैं। फिटनेस हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, खासकर आज के दौर में जब हमारे पास कुर्सी पर बैठकर काम करने के अलावा कोई और चारा नहीं रह गया है। अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी फिट रहे और आपकी इच्छा पूरी हो तो हमारे ये टिप्स आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। पहला उपाय, दोस्तों यदि आप वजन घटाना चाहते हैं तो अपने डाइट में से पोषक तत्वों को ना हटाएं। अपने आहार में चेरी, रसीले अंगूर, हरे मटर आदि शामिल करें। कभी भी ब्रेकफास्ट करना ना भूलें। ब्रेकफास्ट में अपने पसंदीदा फलों को शामिल जरूर कीजिए। दूसरा उपाय आपके वजन घटाने के लिए है, हैवी डाइट की बजाय आप लाइट डाइट लें। अंकुरित चीज़ें खूब खाएं। दिन में खाने में दाल जरूर लें, इससे आपके शरीर में प्रोटीन की कभी कमी नहीं होगी और इससे जल्दी ही आपका वजन भी घटने लगेगा। तीसरा उपाय वजन में घटाने के लिए तली हुई चीज़ों के परहेज को लेकर है। आप आलू के चिप्स, कुकीज़, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा करने वाली चीज़ें होती हैं, इनसे दूर रहें। इनका इस्तेमाल कम से कम करें। फास्ट फूड जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सब की जगह पर अगर आप सलाद, फ्रूट जैसी चीज़ों को अपनी डाइट में डालेंगे तो आपका वजन तेज़ी से कम होगा। चौथा तरीका वजन घटाने के लिए, संतुलित आहार के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्विमिंग पसंद करते हैं तो वजन घटाने के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है। इसके अलावा मॉर्निंग वॉक करना, रस्सी कूदना आपको तेजी से वजन कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा योग की मदद लेकर भी आप वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। पांचवा उपाय आपके शरीर में फाइबर को ऐड करना है, जैसे बीन्स, ब्राउन राइस, नट्स इत्यादि। ये सब आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल से कम करते हैं, साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर भी निकालते हैं। फाइबर युक्त भोजन आपके लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज को भी बर्न करने का काम करता है। छठे उपाय में हम आपकी गलतफहमी को दूर करना चाहेंगे। काफ़ी लोगों को लगता है कि बार बार खाना खाने से वजन बढ़ता है, इसलिए वो एक ही बार में ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच है। ऐसे में आपको ज़्यादा भूख लगती है और इससे आप ज़्यादा कैलोरीज ले लेते हैं। इसीलिए दिन में थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ ना कुछ हल्का हल्का खाते रहना चाहिए, इससे आपका वजन कंट्रोल में रहता है। सातवां उपाय कुछ लोगों की विशेष आदत को लेकर है कि वो 5 से 6 दिन तक पूरा संतुलित आहार लेते हैं, अपने वजन को कंट्रोल में रखते हैं और हफ्ते के आखिरी दिन वो जमकर खाना खाते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन खुलकर खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सोच भी गलत है। इससे एक ही दिन में हफ्ते भर में आपने जितनी कैलोरीज कम की गई हैं वो सारा बैलेंस बिगड़ गया है और आप दोबारा से एक्स्ट्रा कैलोरीज ले चुके हैं। आठवां उपाय मीठा पसंद करने वाले लोगों के लिए है। ज़्यादा मीठा खाना वजन घटाने वाले लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मीठे के तौर पर गुड़, खंजूर, सौंफ या किशमिश खाएं। सौंफ खाने से आपका डाइजेशन तंदुरुस्त होता है। नौवां उपाय सुबह की एक आदत से है। काफ़ी लोग सुबह चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं जो सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है। सुबह उठते ही नींबू पानी, नारियल पानी या जूस लेना चाहिए। वजन घटाने में ये काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इनसे आपके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट लेवल भी बढ़ता है। दसवां और एक महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों, पानी आपको वजन घटाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। आप अपने ब्रेकफास्ट में संतरे का जूस ले सकते हैं, लेकिन बाकी पूरे दिन केवल पानी ही लें। डिब्बा बंद जूस और सोडा लेने से परहेज करें। इसके स्थान पर आप नींबू पानी या नारियल पानी पी सकते हैं। पूरे दिन में प्रत्येक घंटे में आधे गिलास पानी लेने से आपको वजन घटाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये वो 10 तरीके थे जिन्हें अपनाकर आप अपने शरीर को तेज़ी से वजन घटाकर कंट्रोल में कर सकते हैं और अपने बढ़े हुए शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों से, मित्रों से फेसबुक, व्हाट्सएप पर इसको शेयर करना मत भूलिएगा।